हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार बेदरे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स सर्वे पार्ट टू, जिसपे हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़ों पर जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसे आंकड़े जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो सीजीपीएससी और व्यापा में अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी उनमें गलती होने की संभावनाएँ बनी रहती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति में हम चर्चा करेंगे जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद पर। सकल घरेलू उत्पाद बुक्स में इसकी क्या परिभाषा दी है मैं आपको ये बताता हूँ। पहले, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। इस पर दो टर्म्स को आप ध्यान दीजिएगा, घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। घरेलू सीमा के भीतर कौन शामिल होंगे? भारत के निवासी भी और विदेशी भी। इनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी में शामिल किया जाता है। ये प्रश्न पीएससी और व्यापार में तो आता नहीं, लेकिन रेलवे इसको डायरेक्ट पूछता है कि घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के मूल्य को कहा जाता है, जिसमें आपको चार ऑप्शन देगा, सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, और इनमें से कोई नहीं। आपको लगाना है जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आंकड़ों पर। जीडीपी बोलिए या विकास दर बोलिए, दोनों एक ही होता है। भारत का विकास दर वर्ष 2017-18 में रहा 6.75%, मतलब 6.75%। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का विकास दर रहा वर्ष 2017-18 में 6.65%, यानी 6.65%। दोनों आंकड़ों को याद रखिएगा, दोनों से डायरेक्ट प्रश्न उठता है। इनको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, दोनों में भारत के जीडीपी में और आपके छत्तीसगढ़ के जीडीपी में 0.10 का डिफरेंस है। भारत का विकास दर है आपका 6.75%, जबकि छत्तीसगढ़ का विकास दर है आपका 6.65%। दोनों आंकड़े याद रखिए, ये प्रश्न डायरेक्ट पूछते हैं। अब और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। औसत वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, यानी पिछले 5 वर्षों में विकास दर में औसत वृद्धि कितनी हुई, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आंकड़े आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। मतलब पिछले 5 वर्ष, वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर के वित्तीय वर्ष 2017-18 तक, पिछले 5 वर्षों में विकास दर में औसत वृद्धि कितनी हुई। तो भारत के विकास दर में औसत वृद्धि हुई आपकी 6.81%, 6.81%। वैसे ही छत्तीसगढ़ के पिछले 5 वर्षों में विकास दर में औसत वृद्धि रही आपकी 6.31%, 6.31%। ये चारों आंकड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखिएगा, प्रश्न पूछे जाने की इनमें संभावना बनी हुई है। दूसरा, ये दो आंकड़े हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत में महंगाई दर, भारत में महंगाई दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत में महंगाई दर बनी रही 3.3%। वित्तीय वर्ष 2017-18 में भारत में महंगाई दर बनी हुई है 3.3%, 3.3%। ठीक, नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी दर अभी हाल ही में यानी 2 अगस्त 2018 को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक रिपोर्ट जारी किया, जिसमें उसने कहा है कि वर्ष 2018 में भारत में बेरोजगारी दर 3.5% बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगस्त 2018 यानी हाल ही में आए रिपोर्ट में उसने यह रिपोर्ट जारी किया है कि भारत में बेरोजगारी दर 3.5% यानी 3.5% बनी रहेगी। साथ ही साथ भारत में लगभग 70% रोजगार असुरक्षित है। तो ये अभी हाल ही में जो आंकड़े अपडेट हुए हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। महंगाई दर 2017-18 से संबंधित है, जबकि बेरोजगारी दर अभी हाल ही में अपडेट हुआ है। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय निकालते कैसे हैं? किसी देश की राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से यदि अपन भाग दे दे तो वो निकलता है आपका प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पीएससी ने वर्ष 2015 के क्वेश्चन पेपर में उठाया था, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त मापदंड है। उसने ऑप्शन में दिया था, पहले नंबर पर दिया था सकल घरेलू उत्पाद,
और मैक्सिमम लोगों ने इसी को मारा था करेक्ट आंसर, लेकिन इसका सही उत्तर लिया है पीएससी ने प्रति व्यक्ति आय। याद रखिएगा ये एकदम पेटेंट क्वेश्चन है और डायरेक्टली पूछा जाता है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि या आर्थिक वृद्धि का उपयुक्त मापदंड होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का उचित पैमाना होता है आपका जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, और किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। पीएससी ने जो 2015 में क्वेश्चन पेपर पूछा था उसमें पहले नंबर पे जो ऑप्शन था वो था आपका सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद, उसके बाद आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, और इनमें से कोई नहीं। मैक्सिमम लोगों ने इसका जो आंसर लगाया था वो जीडीपी लगाया था, लेकिन ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा। अधिकतर ये क्वेश्चन व्यापम भी उठाता है कि किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। अब भारत में प्रति व्यक्ति आय और छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय पर अपन चर्चा करेंगे, लेकिन इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि अभी पीएससी ने वर्ष 2018 मतलब अभी जो इस साल जो पीएससी का पेपर हुआ उसमें पीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया था कि छत्तीसगढ़ में स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना होता है। स्थिर मूल्य पर तो उसने पूछा था, लेकिन जो उसने चार ऑप्शन दिए थे उन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन था आपका प्रचलित मूल्य वाला, और पाँचवा ऑप्शन तो इनमें से कोई नहीं। उसने पहले मॉडल आंसर पे प्रचलित मूल्य पे आपका प्रति व्यक्ति आय ले लिया था, लेकिन क्वेश्चन था आपका स्थिर मूल्य पे, क्वेश्चन विलोपित हो जाता, लेकिन पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, जो सबसे खतरनाक ऑप्शन है। सीजीपीएससी के लिए ये एक सेफ जोन रहता है और हम जैसे लोगों के लिए ये एक क्वेश्चन में गलती करने का एक मौका बन जाता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए प्रचलित मूल्य क्या होता है और स्थिर मूल्य क्या होता है, ये आपको एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन एक नॉलेज के लिए इसे जान लीजिए। सबसे पहले प्रचलित मूल्य देखिए, प्रचलित मूल्य होता क्या है पहले मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा, फिर बाद में एग्जांपल समझाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। प्रचलित मूल्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर किया जाए तो वो आंकड़े शामिल होंगे आपके प्रचलित मूल्य में। स्थिर मूल्य किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर किया जाए तो वो शामिल होंगे आपके स्थिर भाव या स्थिर मूल्य में। देखिए एग्जांपल समझिए, ये मार्कर वर्ष 2011-12 में इस मार्कर एक मार्कर की कीमत थी आपकी 100 रुपये और 2011-12 में मेरे पास है 300 रुपये, तो मैं इस 300 रुपये में तीन मार्कर खरीद सकता हूँ 100 रुपये के प्राइस वाले। ये बात होगी 2011-12 यानी आधार वर्ष की। अब वर्तमान में वर्तमान बाजार मूल्य में या वर्तमान प्रचलित मूल्य में इस मार्कर की कीमत हो गई 150 रुपये का एक मार्कर, आज भी मेरे पास 300 रुपये है तो इस 300 रुपये में मैं मात्र दो मार्कर खरीद सकता हूँ। तो इस आधार वर्ष में और अभी वर्तमान के वर्ष में डिफरेंस क्या आ रहा है, एक ही चीज़ का है, महंगाई। तो सरल शब्दों में समझिए प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य में एक ही चीज़ का डिफरेंस रहता है, महंगाई का। स्थिर मूल्य का मतलब समझ लीजिए महंगाई को स्थिर रखा जाता है, ठीक। अब इसको डेफिनेशन से समझिए, क्लियर हो जाएगा। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना आधार वर्ष के कीमतों के आधार पर किया जाए तो वो शामिल होंगे आपके स्थिर मूल्य पे। अब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की गणना वर्तमान बाजार में प्रचलित वस्तु की कीमतों के आधार पर किया जाए तो वो शामिल होगा आपका प्रचलित भाव या प्रचलित मूल्य पे। यानी स्थिर मूल्य पे यदि हम महंगाई को जोड़ दें तो आपका वर्तमान यानी प्रचलित मूल्य प्राप्त हो जाएगा। वर्ष 2011-12 की कीमतों के आधार पर अभी वर्तमान के जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो स्थिर मूल्य पे कहलाते हैं, यानी उन आंकड़ों पर महंगाई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उस समय वस्तुओं की जो कीमत थी उन कीमतों के आधार पर आज के वस्तुओं से तुलना करके आंकड़े निकाले जाते हैं, लेकिन जो प्रचलित मूल्य रहता है उस पर महंगाई का प्रभाव पड़ता है। तो 2011-12 की तुलना में आज की जो वस्तुएं हैं वो महंगी होगी। तो ये है आपके प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य। लास्ट टाइम पीएससी का क्वेश्चन था और कई लोग फंसे भी थे इसमें, जिसमें पीएससी ने आपके स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय पूछा था और पांच ऑप्शन में से चार ऑप्शन दिए थे जिसमें से एक ऑप्शन था आपका
प्रचलित मूल्य वाला जिसमें गलतियाँ हुई, ठीक है। तो उन आंकड़ों पर अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन भारत का प्रचलित मूल्य और स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय देखेंगे, फिर छत्तीसगढ़ का देखेंगे। भारत का प्रचलित मूल्य यानी वर्ष 2017-18 में भारत में प्रति व्यक्ति आय है 112,835 रुपये। प्रचलित मूल्य पर भारत का प्रति व्यक्ति आय है 112,835 रुपये, जबकि स्थिर मूल्य 2011-12 में है आपका 86,668 रुपये। 8668, इसको ऐसे याद रखिए, 8668 किस पे है? स्थिर मूल्य पे है, ऐसे में आसानी से याद होगा। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर बोलिए या चालू कीमतों पर बोलिए, चालू कीमतों में छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है 92,035 रुपये। प्रचलित कीमत, चालू कीमत, चालू कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है 92,035 रुपये, जबकि स्थिर कीमत पर मतलब आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय है 80,280 रुपये। इसको ऐसे याद रखिए, 80,280। स्थिर कीमतों पर भारत का प्रति व्यक्ति आय 8668, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय 80,280 रुपये, ये स्थिर कीमतों पर। अब देखिए इनसे और क्या क्वेश्चन बन सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ठीक है। वर्ष 2017-18 में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? भारत के प्रति व्यक्ति आय में 8.6% यानी 8.6% की वृद्धि हुई, जबकि छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय में 9.22% यानी 9.22% की आपकी वृद्धि हुई। भारत के प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि को याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ वाले आंकड़े को थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा कि पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय में 9.22% यानी 9.22% की वृद्धि दर्ज की गई, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट है आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता क्या, पहले ये समझ लीजिए। वैसे तो भारत में कृषि के क्षेत्र में अधिकतर सूखा की स्थिति बनी रहती है, लेकिन किसी कृषि उपज के उत्पादन में यदि सहसा वृद्धि हो जाए तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट यह होता है कि उसके बाजार मूल्य में या बाजार कीमतों में गिरावट आने लगती है। किसान को मजबूरन अपनी लागत मूल्य से भी कम कीमत पर अपने कृषि उपज को बेचना पड़ता है ताकि उसकी फसल खराब ना हो। तो ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जो इस कृषि उपज की कीमतों में आने वाली गिरावट को रोकता है तथा साथ ही साथ किसान की एक आय सुनिश्चित करता है और इस कृषि उपज को एक सुरक्षा प्रदान करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर, CACP की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। भारत सरकार का कृषि मंत्रालय CACP यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग के माध्यम से किसी भी एक कृषि उपज के उत्पादन में कितना लागत लगता है इसका अध्ययन करता है। लागत मूल्य का मतलब उस फसल के बीज से लेकर के उसके उर्वरक, खाद, सिंचाई, जुताई, ये टोटल उस फसल को उगाने में कुल कितना लागत लगा इसका गणना करता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। इसके आधार पर वो एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें लागत मूल्य तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होना चाहिए ये दोनों आंकड़े भारत सरकार को देता है आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कुल 26 प्रकार के कृषि उत्पादों को रखा गया है। वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 26 प्रकार के कृषि उत्पादों में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े जारी करती है। इन 26 प्रकार के उत्पादों में है आपके 7 प्रकार के अनाज, 5 प्रकार के दलहन, 8 प्रकार के तिलहन और 6 प्रकार की अन्य फसलें। लेकिन अभी हाल ही में भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के जो नवीन आंकड़े जारी किए हैं उसमें केवल और केवल 14 प्रकार के खरीफ फसलों पर ही जारी किए हैं। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य मैक्सिमम 26 प्रकार के कृषि उत्पादों में जारी किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी हुआ है वो 14 खरीफ फसलों के ऊपर ही जारी हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, इन 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में जो भारत सरकार है वह 15,000 करोड़ का व्यय कर रही है, मतलब भारत के GDP का 0.1% इन
14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के खरीदी में भारत सरकार 15,000 करोड़ का निवेश किया है या व्यय कर रही है। अगला ये फॉर्मूला, कृषि लागत और मूल्य आयोग A2FL फॉर्मूला के आधार पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य का रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपती है। ये A2FL फॉर्मूला है क्या? A2 मतलब कृषि इनपुट खर्च, कृषि इनपुट खर्च मतलब वही कृषि कृषि उपज के उत्पादन के लिए जो बीज खरीदा जाता है, उसके लिए उर्वरक खरीदा जाता है, खाद, सिंचाई, जुताई, मतलब उसको उगाने में जो लागत लगती है, एक फसल को उगाने में जो एक किसान को लागत लगती है, वे सारी शामिल होते हैं आपके कृषि इनपुट खर्च यानी A2 में। FL का मतलब पारिवारिक श्रम मूल्य, यानी वो किसान का परिवार उस फसल को उगाने में अपना जितना श्रम का योगदान देता है, तो उसके श्रम शक्ति के लिए भी भारत सरकार उसको उसका मेहनताना देगी। ठीक, तो इस A2FL फॉर्मूला का मतलब है कृषि इनपुट खर्च, FL मतलब पारिवारिक श्रम मूल्य। इस A2FL फॉर्मूला के आधार पर ही कृषि लागत एवं मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े जारी करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगभग 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की रिपोर्ट भारत सरकार ने जारी किए हैं। हर किसी के ऊपर तो हम चर्चा नहीं कर सकते, अभी वीडियो के लास्ट में आपको एक फोटो वीडियो के लास्ट में एक दिखाई देगा, उससे आप वो आंकड़े देख सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं मैं उन पर चर्चा कर रहा हूँ। एक आपको बाजरा का देखिए, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य लागत मूल्य से 96.97% अधिक है। यानी बाजरे के जो उत्पादन में जो लागत लगती है, उस लागत मूल्य से उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 96.97% अधिक है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है राम तिल या नाइजर सीड, राम तिल बोलिए, नाइजर सीड बोलिए या काला तिल बोलिए, राम तिल के नए समर्थन मूल्य, नए न्यूनतम समर्थन मूल्य में पिछले वर्ष की तुलना में 1827 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। यानी पिछले वर्ष की तुलना में जितने भी 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उनमें सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपके राम तिल या नाइजर सीड में 1827 रुपये प्रति क्विंटल, जबकि सबसे कम वृद्धि हुई है आपकी धान ग्रेड ए में, लगभग 180 रुपये की वृद्धि हुई है। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। लागत मूल्य से ज़्यादा पे कर रहा है भारत सरकार बाजरे में, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष किसके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, तो उसमें आएगा राम तिल, ठीक है। और धान का तो आपको मालूम है, आपको 4-5 आंकड़े ही याद करने हैं, एक धान का, दूसरा बाजरा का, तीसरा राम तिल का और चौथा एक मक्का। ये 4 आंकड़े ही आप याद कीजिएगा, पूरा आंकड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 आंकड़े ऐसे थे जो इस समय सबसे हाईलाइट में थे और इन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा। धान का सामान्य और ग्रेड 1 दोनों के आप आंकड़े याद कर लीजिए, बाजरा का आंकड़े याद कर लीजिए, राम तिल के आंकड़े याद कर लीजिए। ये आंकड़े अभी वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको एक फोटो शो होगा आपकी स्क्रीन पर, आप उनसे नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि बाजार या ई नाम। लास्ट ईयर व्यापम का डायरेक्ट प्रश्न था कि ई नाम संबंधित है, तो वो आंसर था कृषि क्षेत्र से। ई नाम भारत के कृषि मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विकसित एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल आधारित बाजार है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज मंडियों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़कर एक एकीकृत राष्ट्रीय कृषि उपज बाजार बनाना इसका मेन लक्ष्य है। 14 अप्रैल 2016 को भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही यह एक योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज के खरीदी बिक्री में बिचौलियों के हस्तक्षेप को खत्म करना, यानी किसान डायरेक्ट लेके अपनी उपज को जाएंगे आपके कृषि उपज मंडियों में और वहां से व्यापारी इनसे खरीदेंगे, यानी व्यापारियों को एक बड़े लेवल का मार्केट मिलेगा और किसानों को आपको उनकी एक उचित मूल्य या उचित दाम उनके उपज का मिलेगा। ठीक, इसमें लक्ष्य रखा गया था कि वर्ष 2018 तक भारत के 585 कृषि उपज मंडियों को इस राष्ट्रीय कृषि बाजार के इंटरनेट पोर्टल के माध्यम से जोड़ना। अभी वर्तमान में कितने जुड़े हैं ये आंकड़े तो सामने आए नहीं हैं, लेकिन इसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 585 कृषि उपज मंडियों को इस राष्ट्रीय कृषि बाजार मिशन के अंतर्गत जोड़ना उनका मेन लक्ष्य था। ठीक, इस राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत कुल 24 प्रकार के कृषि उपजों को शामिल किया गया है। इन 24 प्रकार के कृषि उपजों को किसान डायरेक्ट मंडियों में जाकर के बेच सकते हैं।
राष्ट्रीय कृषि बाजार में होगा क्या कि पहले क्या था कि आपके छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारे कृषि मंडियां थी जिसे यहाँ के लोकल व्यापारी खरीदते थे, लेकिन अब राष्ट्रीय कृषि बाजार के माध्यम से इंटरनेट पे छत्तीसगढ़ के कृषि उपज की जो प्राइस है वो शो होंगे। तो जो अदर स्टेट के भी जो व्यापारी है उसे छत्तीसगढ़ में आकर के खरीद सकते हैं यहाँ के कृषि उपज को। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है छत्तीसगढ़ के ई नाम हेतु, मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार हेतु छत्तीसगढ़ के 14 कृषि उपज मंडियों को चिन्हांकित किया गया है। छत्तीसगढ़ के कुल 14 कृषि उपज मंडी शामिल है इस ई नाम मिशन में। प्रथम चरण में 5 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार में जोड़ा जा चुका है, मतलब अभी 2018 तक में प्रथम चरण जो चालू किया गया है ई नाम का, उसमें छत्तीसगढ़ के 5 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। वो नाम है आपके पहले नंबर पे राजनांदगांव, दूसरे पे कवर्धा, तीसरे पे कुरुद, चौथा पे नवापारा और पाँचवें नंबर पर है आपका भाटापारा। राजनांदगांव, कवर्धा, नवापारा, भाटापारा और कुरुद, इन 5 कृषि मंडियों को आपके राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। यानी अभी भी कुल 9 कृषि मंडी बाकी है जो दूसरे चरण और तीसरे चरण, दूसरे चरण में 5 और कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा और तीसरे चरण में 4 कृषि मंडियों को जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक केवल 5 कृषि मंडियों को ही राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा जा चुका है। छत्तीसगढ़ में कुल 14 कृषि मंडियों को जोड़ा जाना है। ठीक, तो इस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण का आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। बाकी रहेगा आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े, वो अभी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। यदि आपको हमारे द्वारा बताए गए किसी भी आंकड़े पे डाउट लगे तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा यदि आपको हमारे पुराने वीडियो देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे उसके लिंक दिए गए हैं। धन्यवाद।